हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक, राजा बाकेलाल का पहला भाग। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, निशा, संतोष, श्रीकांत और मलय। उस समय आंख खोलते ही बाकेलाल की बाई आंख बड़े जोर की भड़की। आज सुबह सुबह मेरी आंख क्यों फड़क रही है? बाकेलाल आंखें धोने के लिए आगे बढ़ा तो आ मरा था। ओह, तेल की शीशी टूटी पड़ी है, तेल फर्श पर फैला पड़ा है जिस पर फिसल कर गिरने से मेरी हड्डियां हिल गई हैं। बाकेलाल उठकर घड़े तक पहुंचा मगर घड़े में पानी नहीं, कुएं पर जाकर मुंह धोता हूं। ओ ये क्या, आ ओ। जैसे ही बाकेलाल दरवाजे पर पहुंचा, क्षमा करें बाकेलाल जी, मैं आपके लिए गरम गरम पूरी, छोले और दूध का नाश्ता ला रहा था। सब कुछ गर्मा गर्म लाने की क्या ज़रूरत थी मूर्ख। तभी बाकेलाल जी, महारानी जी का आदेश है कि अगर नाश्ता कर लिया हो तो फौरन उनके पास पहुँचे। हाँ कर लिया है, तुम चलो, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। आज सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? शीघ्र ही बाकेलाल मुँह हाथ धोकर व कपड़े बदलकर रानी स्वर्णलता के पास पहुँचा। आपने मुझे बुलवाया रानी जी? हाँ बाकेलाल, आओ। बाकेलाल, मेरी आँख में कुछ गिर गया है, ये खुल नहीं रही। तुम्हारे महाराज तो साबुन की चार बट्टियाँ लेकर 2 घंटे से स्नानागार में घुसे हुए हैं, बाकी ज़रा देखना तो मेरी आँख में क्या घुसा है। अरे इसमें तो बाल है, मैं अभी निकाल देता हूँ। उसी समय विक्रम सिंह स्नानागार से बाहर निकले और वह दृश्य देखकर आपे से बाहर हो गए। बाकेलाल, तुम्हारी ये जरूरत, तुमने महारानी को स्पर्श किया। वो महाराज, मैं तो बाकेलाल, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम इसी समय महल छोड़कर चले जाओ, यह हमारा आदेश है। अगर तुम इसी समय ना गए तो मैं तुम्हें पक्की वाली रस्सी से फांसी पर लटकवा दूंगा। कुछ मेरी भी तो सुनिए महाराज, मैं सेनापति को बुलाता हूँ। सेनापति, अभी आया महाराज, मजबूत वाली रस्सी लेकर फौरन आओ। बाकेलाल को भी आ गया ताव। ठीक है महाराज, आपने मुझ पर संदेह किया, मैं चाहता हूँ। नहीं बाकेलाल, रुक जाओ। अजी मैं कहती हूँ बाकेलाल को रोक लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। चुप करो महारानी, कसूरवार अकेला बाकेलाल बाकेलाल नहीं, तुम भी हो। पर पुरुष की परछाई पड़ने के कारण एक दिन भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था, आज मैं भी तुम्हारा त्याग करता हूँ। नहीं, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, निगाहों से। आज से तुम त्याग कक्ष में निवास करोगी। नहीं, मैं की कसूर किता। रानी को सारी बात समझते देर न लगी, दूसरे ही पल रानी क्रोध से विफर उठी। महाराज, मुझ पर आरोप लगाने से पहले हकीकत तो जानी होती, मेरी आँख में बाल गिर गया था, मैं तो बाकेलाल से वह बाल निकलवा रही थी। आपने हम पर संदेह करके देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को अपमानित किया है। हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में संभाले। क्या? नहीं धरती माता, ऐसा मत करना। महारानी, मेरी आंखों में साबुन का पानी चला गया था जिससे मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा था, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं तो क्षमा कर दूंगी, पर बाकेलाल तो चला गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। बाकेलाल, बाके मेरे प्यारे बाकू, रुक जा, मुझे छोड़कर मत जा। सेनापति, रस्सी फेंक दो और जल्दी से बाके को रोको। जो आज्ञा महाराज, मैंने उसे बादशाह पर फेंटते देखा है, मैं अभी उसे रोकता हूँ। अबे ओ मोटे, भाग मत, मैं ढीला बनाऊँ। सेनापति भागकर द्वारपाल के निकट पहुँचा। द्वारपाल, बाकेलाल कहाँ है? वे तो बादशाह पर सवार होकर चले गए, वो गुस्से में बादशाह से कह रहे थे, चल बादशाह काली पहाड़ी। बाकेलाल काली पहाड़ी की तरफ क्यों गया है सेनापति? सैनिकों को साथ लेकर फौरन काली पहाड़ी जाओ और बाकेलाल को मेरे पास ले आओ। अगले ही पल सेनापति अपने सैनिकों के साथ बड़ा चला जा रहा था। जबकि इधर काली पहाड़ी पर पहुंचते ही घोड़ा बादशाह अपनी आदत से मजबूर हो उठा और बाकेलाल, मुझे पहाड़ी पर चढ़ाकर थका दिया, चल नीचे। बादशाह के बच्चे, ये तूने क्या किया, पकड़ मुझे। किंतु काली पहाड़ी की ढलान तो काफ़ी लंबी थी। अरे ये तो गहरी है, बाकेलाल मेरी पूछ पकड़। मगर बाकेलाल लुढ़कता गया और फिर पूछ पकड़ लेता तो तेरा यह हाल ना हुआ होता। कोई है मुंडे की पुकार सुनने वाला? बाकेलाल हिम्मत बटोर कर उठ खड़ा हुआ। आज सुबह उठने का मुहूर्त ही खराब हुआ था, मेरे सारे वस्त्र फट गए, मुझे चोट भी लग गई। अचानक बाकेलाल की निगाहें एक जगह ठिटक गईं। अरे ये क्या, इतने कीमती और बढ़िया वस्त्र, इन पर तो सोने चांदी का काम है, हीरे और मोती भी चढ़े हैं। ये पोशाक तो किसी राजा की ही हो सकती है, मगर राजा कहाँ है, राजा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। चलो जी बाड़ मारो राजा को, ये पोशाक तो बिल्कुल मेरे नाप की लगती है, मेरे सारे वस्त्र
गंदे होकर फट चुके हैं। मेरे जख्मों का रक्त भी वस्त्रों पर लग गया है। क्यों ना मैं इन वस्त्रों और इन पुरानी जूतियों को उतार कर पहन लूँ ये राजसी वस्त्र और जूतियाँ। मुच्छड़ मनुष्य की जगह पर राजा तो मैं बन नहीं पाया, चलो राजा के वस्त्र पहनकर राजा जैसा तो बन जाऊँ। क्वाक, अरे ये तो उसी मानव की पोशाक पहन रहा है जिसका मांस हम खा गए और हड्डियाँ जंगली कुत्ते। ची ची ची, ये क्या कर रहा है तू? सावधान भाकेलाल, पछताएगा। उस शानदार पजामे का नाड़ा बांधते और जूतियाँ पहनते ही अचानक भाकेलाल का मस्तिष्क चकरा उठा। ओह, यह अचानक मुझे क्या हो रहा है? भाकेलाल के संपूर्ण शरीर में हलचल मच गई, जैसे कोई पानी में तेज तेज चप्पू मार रहा हो। ओह, भाकेलाल चकरा कर गिर पड़ा। धम। ची ची ची, भाकेलाल मैं तो पहले कह रहा था कि इसे मत पहन, मैंने इस पोशाक को चलते हुए देखा था। भाकेलाल की आंखें जल्दी ही खुली। मैं कहाँ हूँ? भाकेलाल चौंक कर उठ बैठा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? ओह याद आया, मैं काली पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। मगर मेरे हरामखोर सैनिक मुझे ढूंढते हुए अभी तक काली पहाड़ी से नीचे क्यों नहीं पहुँचे? भाकेलाल को बाहर लाने के लिए मैं सैनिकों की मदद लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों मैं यहाँ आदत से बाज नहीं आता, पर जो बाज आए वह आदत कैसी। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था भाकेलाल। भाकेलाल जल्दी ही काली पहाड़ी के छोर पर जा पहुँचा। वहाँ तो मेरा एक भी सैनिक नहीं है। लगता है सबके सब हरामखोर मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। मैं भी चलता हूँ। नहीं भी नहीं, मैं चलता हूँ। इधर से भाकेलाल आंखों से ओझल हुआ और उधर सेनापति अपने सैनिकों के साथ बादशाह का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा। ये बादशाह हमें काली पहाड़ी की चोटी पर क्यों ले आया? अबे नीचे उतर कर देख। फिर सेनापति जैसे ही नीचे पहुँचा, ओह ये खून से सने और फटे हुए वस्त्र तो भाकेलाल के ही हैं, ये जूतियाँ भी भाकेलाल जी की ही हैं। लगता है भाकेलाल ने काली पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। परंतु सेनापति जी, यदि ऐसी बात है तो फिर भाकेलाल जी की लाश कहाँ है? वो देखो, लाश जंगली कुत्ते खा गए होंगे, गिद्धों ने भी नोच नोच कर खाया होगा कमबख्त को, मर्दू था ही सी लाए। चलो जान झूठी, अपने आप को बड़ा फन्ने कहाँ समझता था। अब महाराज मुझे ही अपना सलाहकार नियुक्त कर देंगे। सैनिको वापस चलो, महाराज को ये खुश खबरी देर दें। खबरी शब्द तो खुश के साथ लगता है सेनापति जी, खबर कहिए। हाँ हाँ खबर, चलो। भाकेलाल द्वारा आत्महत्या का समाचार सुनकर विक्रम सिंह तो बेहोश होकर ही गिर गए। आ महाराज बचाओ, हम दब गए। कमबख्त तो कितनी बार कहा है कि महाराज से दो दो हाथ दूर खड़े हुआ करो। जल्दी ही विक्रम सिंह को होश में लाया गया। हाय मेरा प्यारा भाकेलाल, सेनापति तुम्हें कैसे पता चला कि बाके ने आत्महत्या कर ली? बाके का शव कहाँ है? शव तो कुत्ते पहले ही खा चुके थे महाराज, ये वस्त्र और जूतियाँ उन्होंने आपके लिए छोड़ दी। यह सुनकर महाराज विक्रम सिंह एक बार फिर मूर्छित हो गए। आह महाराज को एक तरफ हटाओ, मेरे पांव दब गए। नहीं ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री महाराज पर पानी छिड़को। इस वक्त सिर्फ छिड़काव से काम नहीं चलेगा। हाय दैया, मेरे कारण बाके ने अपनी जान दे दी, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब पीछे पीछे हट जाओ, मैं फिर बेहोश हो रहा हूँ। भाकेलाल द्वारा आत्महत्या के समाचार से पूरे राज्य में मातम छा गया। जबकि इधर भाकेलाल तीन राज्यों की सीमा रेखा वाली काली पहाड़ी से पैदल चलता हुआ आ पहुंचा विराटपुरी। अरे यहाँ तो घी के दिए जलाए जा रहे हैं, बच्चे पटाखे चलाकर खुशियाँ मना रहे हैं, पट पट पटाक, फुल 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 जड़ी, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। लोगों की बातें सुनकर भाकेलाल के कान खड़े होने लगे। चलो अच्छा हुआ कमबख्त काली पहाड़ी से घाटी में गिरकर मर गया। कमबख्त ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। जब देखो युद्ध, जब देखो युद्ध, कहता था पूरे 100 राज्य जीतकर सैकड़ा स्थापित करूंगा, पर बेचारा युद्ध खुद सैकड़ों हाथ गहरी खाई में गिरकर मर गया। सैकड़ों सैनिक उसके कारण काल के गाल में समा चुके हैं। अगर वह नहीं मरता तो पूरे विराटपुरी में एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता। इसी खुशी में तो आज विराटपुरी में दिवाली मनाई जा रही है। हे ईश्वर, हमारे लड़ाकू महाराज उधेड़बुन सिंह की आत्मा को शांति दे। इतना सुनते ही भाकेलाल के क्रोध का कोई पारवार ना रहा। ओ तो ये बात है, ये मेरी मौत की खुशियां मना रहे हैं। आप समझा, इसलिए कोई सैनिक मुझे लेने घाटी में नहीं उतरा कि अगर मैं नीचे गिरकर बच भी गया तो मर जाऊं और मुझे जंगली कुत्ते और गिद्ध नोच कर खा जाएं। भाकेलाल सीधा पहुंचा राजमहल में और द्वारपाल, द्वार खोलो। यह गुप्त द्वार केवल महाराज के आने जाने के लिए है। गुस्ताख तो मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचानता? मैं ही तुम्हारा महाराज उधेड़बुन सिंह हूँ। तू और मेरा महाराज? दोबारा इधर आया तो नाक में रस्सी डालकर मुंह से लस्सी बाहर निकाल दूंगा। अरे कमबख्त, तूने मुझ पर लात उठाई, ले भुगत फिर वो दंड जिससे मेरा एक एक दुश्मन घबराता है। भाकेलाल जो खुद को राजा उधेड़बुन सिंह कह रहा था द्वारपाल के कंधे पर चढ़ गया और
बोल, अब मुझे पहचाना कि नहीं? आ, जल्दी बोल वरना तेरे सारे बाल उखाड़ दूंगा। पहचान लिया महाराज, पहचान लिया, अब तो बाल छोड़ दीजिए। इसे ऐसा ना कहा तो ये बाल नहीं छोड़ेगा। बाल ऐसे कैसे छोड़ दूँ? भूल गया कमबख्त कि जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो यहाँ से तू मुझे अपनी पद्दी पर बिठाकर दरबार में छोड़कर आता है? आए, ये बात तो सिर्फ मुझे और महाराज को ही मालूम है, इसे कैसे पता? द्वारपाल बाकेलाल को पद्दी पर बिठाकर गुप्त द्वार से दरबार की ओर ले चला। अब आया ना रास्ते पर, हरकतें तो इसकी सारी महाराज वाली हैं, सूरत को छोड़कर पर महाराज तो मर चुके हैं, मैंने उनकी मौत की खुशी में मिठाई भी खा ली है। शीघ्र ही महाराज दरबार का गुप्त द्वार आ गया। यहीं फेंक दूँ या अंदर तक छोड़कर आऊँ? नहीं, मैं यहीं आकर उतरता हूँ, मुझे पता है मेरे 1000 दुश्मन है, इसलिए मैं उस गुप्त द्वार से ही बाहर आता जाता हूँ। परंतु तूने मुझे पहचाना क्यों नहीं? बोल, कर तू तेरी धड़ कि तेरी गर्दन धड़ से जुदा? भूल हो गई महाराज, मेरी एक आँख में मक्खी चली गई थी और दूसरे से मैं उसे ही तलाश कर रहा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। ठीक है, वैसे भी अगर मैंने तुझे मार दिया तो मुझे पत्ती पर बिठा कर कौन लाएगा और ले जाएगा? चल, इस बार मैंने तुझे क्षमा किया। अरे, ये तो महाराज की तरह ही दरवाज़ा खोल रहा है, पर अगर ये महाराज हैं तो महाराज की शक्ल को क्या हुआ? बाकेलाल को गुप्त द्वार से राज दरबार में प्रवेश करते ही देख सभी मंत्री सभासद आदि चौंक पड़े। अरे, ये गुप्त रास्ते से कौन भीतर आ रहा है? इस द्वार से तो केवल महाराज ही आते जाते थे। पकड़ लो इसे, पर सेनापति तो मैं ही हूँ, मैं ही पकड़ता हूँ। सेनापति धिक्कार सिंह ने तान दी बाकेलाल पर तलवार। कौन है तू? तुझे द्वारपाल ने अंदर कैसे आने दिया? धिक्कार है तुझे सेनापति? धिक्कार सिंह, तूने मुझे नहीं पहचाना? काली पहाड़ी से गिरा मैं और याददाश्त तुम्हारी चली गई? सेनापति, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। अपना मुंह सभासदों की ओर करो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। अब पहचान लिया मुझे? लात तो वैसी ही पड़ी है। ओह, महाराज सेनापति को रोजाना 1 लात जरूर मारते थे ताकि वह औकात पर रहे। ताक, बाकेलाल ने सिंहासन की ओर देखा तो चौंक पड़ा। अरे, ये क्या, रानी वज्रदंती मेरे सिंहासन पर? रानी वज्रदंती, तेरी ये मजाल, तू मेरे होते सिंहासन पर कैसे बैठ गई? तूने क्या समझा था कि मैं मार गया? चलो था नीचे, मेरी परांदी खुल जाएगी। मेरे जीते जी मेरे सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता। अरे, ये तो सिंहासन की पुच्छी भी वही ले रहा है जहाँ रोजाना इस पर बैठने से पहले महाराज लेते थे। किंतु इससे पहले कि बाकेलाल उस सिंहासन पर बैठ पाता, सावधान, सिंहासन पर बैठने की जरूरत मत करना। ओ महामंत्री उजाड़ सिंह, अभी कैसे बैठ जाऊंगा? सिंहासन पर बैठने से पहले तो मैं तुम्हें घोड़ा बनाकर तुम्हारी पीठ पर सवारी गांठ कर पूरे राज दरबार का चक्कर लगाता हूँ। तुम घोड़े की आवाज़ निकालते हो और मैं कहता हूँ चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। घोड़ा बने महामंत्री की पीठ पर चक्कर लगाकर बाकेलाल वापस सिंहासन पर पहुँचा। और महामंत्री, तुमने हमें सिंहासन के पास खड़े होकर ललकारा था, इसलिए दंड स्वरूप तुम दरबार की कार्रवाई खत्म होने तक कान पकड़कर यहीं खड़े रहो। ठहरो, दंड देने का अधिकार राजा को होता है, तू कौन है बहरूपिये जो खुद को हमारा राजा बता रहा है? बहरूपिया, तुम सबने मुझे बहरूपिया कहा और मुझ पर तलवारें और भाले भी उठा दिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ हरकतें व आवाज़ ही हमारे महाराज से मिलती है, तुम्हारी सूरत नहीं। ये देखो, आए, ये मेरी शक्ल को क्या हुआ? काली पहाड़ी की घाटी से महाराज के वस्त्र व जूतियाँ तुम्हारे हाथ क्या लग गए कि तुम तो राजा बनने की योजना ही बना डाली? बहरूपिये, अब तू नहीं बचेगा। नहीं, मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। मैं विश्व विजय करने निकला था और 97 राज्य जीत चुका था। सैकड़ा पूरा करने में अब केवल 3 और राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराना शेष था और उन 3 राज्यों की सीमाएं काली पहाड़ी से आरंभ होती है। मैं सेनापति के साथ उस पर चढ़कर उसी का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक मुझे जोर का धक्का लगा और मैं काली घाटी में जा गिरा। ओह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि धक्का देने की बात या तो राजा को मालूम है या मुझे, क्योंकि महाराज को धक्का मैंने ही दिया था। मेरा मतलब, यानी ये हमारे राजा ही हैं, पर इनकी सूरत कैसे बदल गई? काली घाटी में बहुत सारे जंगली कुत्ते, कहीं उनके चटने से तो ऐसा नहीं हो गया? ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, कुत्तों ने महाराज को जीवित होने के कारण नहीं खाया होगा, केवल मुंह चाट कर छोड़ दिया होगा। सहसा बाकेलाल क्रोध से भर उठा। सेनापति, उस वक्त केवल तुम मेरे साथ थे, मुझे धक्का देने वाला वो हाथ तुम्हारा ही हो सकता है। बोलो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया था? मैंने धक्का नहीं दिया था। महाराज को धक्का देने की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए तो हवा का एक झोंका ही काफ़ी था। महाराज उसी झोंके में घाटी में जा गिरे थे। मैंने तो उन्हें पकड़ना चाहा था, पर मेरे हाथ भी हवा ही लगी। और महारानी, तुमने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे गले में जो कंठा आ रहा है उसकी डिबिया में क्या है। उसमें 100 अंकित है जो मैंने तुम्हें हमारी शादी की 3री साल गिरा पर तोहफे में दिया था, और राज्य को जीतने के प्रत्येक अभियान पर निकलने से पहले मैं एक बार उसे खोलकर अवश्य देखता हूँ।
कह दो कि यह असत्य है। नहीं, यह सत्य है। आप ही मेरे स्वामी हैं। स्वामी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आपको पहचानने में भूल हुई। मैं सूरत से धोखा खा गई, जबकि ये सूरत पहले वाली से अच्छी है। अपने अपने शस्त्र दूर करो, ये हमारे महाराज ही हैं। अब तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महाराज, कृपया सिंहासन ग्रहण करें। बोलो महाराज उदेड़बुन सिंह। मुर्दाबाद के बाद जिंदाबाद। कमबख्त फिर आ गया हमारी छाती पर मूंग दलने। बस बस, अब ये जय जयकार बंद करो और तैयार करो। सेना, सेना तो तैयार है महाराज, इस वक्त सारी की सारी यहीं उपस्थित है। क्या, कहाँ है सेना? वो रही महाराज, पिछला युद्ध लड़ने के बाद इतने ही बचे। कुल 5 सैनिकों को सेना कह रहे हो? धिक्कार सिंह, धिक्कार है तुम पर। यहाँ आकर सभासदों की ओर मुंह करो, मैं भी तुम्हारी ही निकालता हूँ। ठाड़, आ! अरे कमबख्त नालायक, मैंने तुझे सेनापति क्या इन मुट्ठी भर सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए बनाया था? जाओ, राज्य के सभी नवयुवकों को पकड़ कर ले आओ और उन्हें सेना में शामिल करो, और जो आने में मना करें उसका सिर मुंड का गधे पर बिठा कर लाओ। जाओ, जो आगे महाराज। अब मैं फतह करूंगा अपनी जीत का अनठान व लक्ष्य यानी अधेर नगरी को। अब देखता हूं कैसे दिवाली मनाएगी प्रजा। बोलो महाराज उदेड़बुन की जय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल के कॉमिक विशेषांक राजा बाकेलाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।